Everyone, welcome back to CBSE guide. In this video we will complete our chapter 6 of history class 8. So let us begin with the chapter Colonialism and the City, the story of an imperial capital. First topic here is life in the time of partition. So jab partition hua to us time pe life mein kya kya changes aaye logon ki hum wo is topic mein dekhenge. To yahan pe hum log jo hai start karte hain. पार्टीशन की वजह से बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन ट्रांसफर हुई थी ऑन द बोथ साइड. ऑब्वियसली हम यहाँ पे पार्टीशन से समझ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान जब बने, ठीक है, 1947-46 के टाइम पे, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है कुछ जो है हिंदू लोग जो है वो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए और बहुत से मुस्लिम जो लोग हैं वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ गए. तो बॉर्डर के दोनों साइड बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है वो ट्रांसफ़र हुए. इसकी वजह से, लोगों के ट्रांसफ़र होने की वजह से जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई, ठीक है. एंड ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग अलग अलग तरह के आने लग गए, तो उसकी वजह से दिल्ली का कल्चर भी बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज हो गया. जो लोग काम करते थे उन लोगों की जॉब्स भी एकदम से चेंज हो गई. सो इस पूरी सिचुएशन में एज वी ऑल नो कि बहुत से रॉइट्स हुए थे, बहुत दंगे हुए थे और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे, बहुत से लोगों के जो है घर जला दिए गए थे और उनको लूट लिया गया था. बहुत से ऐसे मुस्लिम्स थे जो इंडिया में रह रहे थे वो पाकिस्तान की तरफ मूव किए, तो उसी दूसरी तरफ बहुत से सिख लोग थे जो और हिंदू लोग थे जो कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मूव किए, ठीक है. सो इन लोगों को कहा गया रिफ्यूजीज, ठीक है. सो यहाँ पे अभी हम जो भी वीडियो में टर्म रिफ्यूजीज यूज करेंगे तो दैट मीन्स वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए थे ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो रिफ्यूजीज जो थे, जितने भी लोग यहाँ पर इंडिया में आए, तो देवर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ शाहजहानाबाद. दिल्ली में वो लोग सब घूम रहे थे, बहुत मतलब ओब्वियसली वो लोग कोई ना कोई रहने की जगह ढूंढ रहे थे. बहुत से लोगों को ऐसा हुआ कि जो लोग यहाँ से घर छोड़ के गए हैं उनको वो घर मिल गए तो उन्होंने वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया और बहुत से लोगों को रिफ्यूजीज कैंप में भी रहना पड़ा. तो यहाँ पे बहुत से जो मुस्लिम्स थे उन लोगों को फोर्सफुली लोगों को फोर्स किया गया, जिसकी वजह से उनको अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो बेचनी पड़ी और यहाँ से मूव आउट करना पड़ा. और 2/3 ऑफ द मुस्लिम्स जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो 2/3 ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली, मीन्स जो दिल्ली में मुस्लिम्स रह रहे थे वो माइग्रेट उनको करना पड़ा और 44,000 जो घर थे वो लोगों को त्यागने पड़े, अपना घर छोड़ना पड़ा. एंड टेररिस्ट मुस्लिम्स लिव्ड इन द मेकशिफ्ट कैंप्स, क्योंकि उस टाइम पर दंगे फसाद इतने ज़्यादा हो गए थे कि जो आतंकित मुस्लिम लोग थे, मीन्स जो डरे हुए मुस्लिम लोग थे, वो लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और वो जाकर जो है मिलिट्री के लोगों के पास जाके सेफ फील कर रहे थे तो वहाँ जाके रहने लग गए, या जहाँ गवर्नमेंट ने उनके रहने का इंतजाम किया उस जगह पे जाकर रहने लग गए. तो अब इसमें क्या हुआ कि दिल्ली जो है वो सिटी बन गई रिफ्यूजीज की और ऑलमोस्ट 5 लाख लोग जो है ऐड हो गए दिल्ली की पॉपुलेशन में. 5 लाख लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए दिल्ली में, वो यहाँ पर कैंप्स में रहे, स्कूल्स में रहे, मिलिट्री बैरक्स में जहाँ पर मिलिट्री के लोग रहते थे, गार्डन्स में भी बहुत लोगों को रुकना पड़ा, कुछ लोगों के लिए नए घर बनाए गए, कुछ लोग जैसे अभी मैंने बताया कि पुराने जो घर खाली हुए उसमें रहना शुरू कर दिए. तो इस तरह से जो है मतलब लोगों को रहने की जगह दी गई, रिफ्यूजीज को रहने की जगह दी गई और साथ ही साथ कुछ न्यू कॉलोनीज भी बनाई गई जिनको रिफ्यूजी कॉलोनीज बोलते हैं. ये जैसे कि दिल्ली में तिलक नगर, लाजपत नगर, ये सब कॉलोनीज जो है उस टाइम पर सेटअप की गई. और अब क्या था, इनमें शॉप्स, स्टॉल्स, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई, छोटी छोटी शॉप्स खोली गई सो दैट कि जो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है
उस सब की जो डीड्स है उसको फुलफिल किया जाए, उसके डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। साथ ही साथ सिचुएशन कंट्रोल में होने के बाद यहाँ पर न्यू कॉलेजेस खोले गए, न्यू स्कूल्स खोले गए। अलोंग विद दैट जो अब यहाँ पर रिफ्यूजीज आए थे, ठीक है, उनकी जो स्किल्स थी, मीन्स जो वो काम करते थे, दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली। मीन्स जो लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं, जगह दिल्ली को छोड़ के गए हैं, वो बहुत से लोग ऐसे थे जो आर्टिस्ट थे, ट्रेडर्स थे या लेबरर्स थे। हाउएवर, जो लोग दिल्ली में आए थे उस टाइम पर रिफ्यूजीज, उनका ऑक्यूपेशन जो अलग था बहुत ज्यादा, ठीक है। वो जो माइग्रेंट्स थे वो बहुत से, उसमें से कुछ रूरल लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, बहुत से ऐसे थे जो टीचर्स थे, बहुत से लोग व्यापारी थे उनमें से, या फिर स्मॉल शॉपकीपर्स थे। बट आफ्टर पार्टीशन अब उनको, क्योंकि अब वो लोग सब अपना घर और सब कुछ छोड़ के आ गए थे, तो अब उनको अपनी लाइफ न्यू तरीके से स्टार्ट करनी थी, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था ऑब्वियसली सबके लिए, जो यहाँ पर रिफ्यूजीज आए या फिर जो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ गए, उन सबके लिए ही बहुत ही ज्यादा एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था। तो वहां पर अब जो नए, जो यहाँ रिफ्यूजीज थे दिल्ली में, उनके लिए न्यू जॉब्स जो थी वो एज अ हॉकर्स काम करने लगे, कारपेंटर्स या आयरन स्मिथ्स का काम करने लगे, बहुत से लोगों ने अपनी शॉप्स खोल ली। तो इस टाइप से धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाया और फिर उन्होंने अपने जो है लाइफ को ट्रैक पर लाए। उस जो अब इन सब चीजों की वजह से पूरा जो कल्चर था दिल्ली का वो चेंज हो गया, क्योंकि पहले जहाँ यहाँ पर दिल्ली में मुगल्स ने राज किया था, दैट मीन्स उर्दू और पर्शियन कल्चर ज्यादा था यहाँ पर, अब वो टेस्ट और वो कल्चर धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा था। अब फूड, ड्रेसिंग सेंस और आर्ट्स, इन सब चीजों में दिल्ली का कल्चर पूरी तरह से धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनसाइड द ओल्ड सिटी, मीन्स पुरानी दिल्ली में, शाहजहानाबाद में, धीरे धीरे अब क्या क्या चेंजेस आ रहे थे वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। सो शाहजहानाबाद में क्या था कि जो मुगल्स के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा फाइन कैनल सिस्टम था, मतलब वाटर सप्लाई के लिए उन्होंने, वो यहाँ पर बावलीज बनाते थे, उसमें पानी स्टोर करके रखते थे, सो दैट कि जब मानसून सीजन नहीं होगा या पानी की कमी होगी तो पानी को, उससे जो है पानी की नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही एक एक्सीलेंट वाटर सप्लाई थी, ड्रिंकिंग वाटर की स्पेशली, ठीक है, डोमेस्टिक यूजेस के लिए घरों तक पानी पहुंचाया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम भी मुगल एम्पायर के टाइम पर बहुत अच्छा था, मुगल पीरियड में ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। बट ये दोनों ही चीजें, मीन्स ये जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम, दोनों ही चीजें जो है जब न्यू सिटी बनाई गई तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें नेग्लेक्ट कर दी गई, ठीक है। अलोंग विद दैट जो चैनल सिस्टम था, कैनाल सिस्टम था, बावलीज वाला सिस्टम था, ये सब चीजें जो है मतलब ये सब चीजें ब्रेक डाउन कर दी गई, हटा दी गई। एंड एज हमने यहाँ पर देखा कि पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज ही हो रही है, तो ऑब्वियसली ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई और ड्रेनेज वाटर, ड्रेनेज जो है उस दोनों की सिस्टम का और अच्छा होना चाहिए था लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, बट ये दोनों ही चीजें इफेक्टिव नहीं थी। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था ओपन सरफेस ड्रेन्स, ठीक है। बट धीरे धीरे करके ये सिस्टम भी फेल होने लगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि ड्रेनेज जो होगी वो ओपनली जाता था, सारा पानी निकलता था, बट ये सिस्टम भी फेल होने लगा। दिल्ली की जो म्यूनिसिपल कमेटी थी वो पर्टिकुलरली ओल्ड दिल्ली में ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई के लिए जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। बट ऑन द अदर साइड जो है न्यू दिल्ली का जो एरिया था,
जो हमने अभी देखा इस चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो जो था इसका, उसमें हमने देखा कि जैसे न्यू दिल्ली ब्रिटिश इंडिया में बनाई गई, तो वहां पर उसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम और इन सब फैसिलिटीज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की गई, बट ओल्ड दिल्ली में जो है गवर्नमेंट अनविलिंग थी कुछ भी स्पेंड करने के लिए. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर इज द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज. सो मुगल एम्पायर के टाइम पर जो अमीर लोग होते थे दिल्ली में, वो मोस्टली हवेलीज में रहते थे, बट ब्रिटिश रूल के अंडर धीरे धीरे करके ये हवेलीज वाला सिस्टम खत्म होता गया. सो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि हवेलीज का मेनली स्ट्रक्चर कैसा रहता था एंड फिर वो डिक्लाइन क्यों होते गया वो हवेलीज वाला कल्चर. सो यहाँ पे हम देखते हैं जो मुगल एम्पायर के टाइम पे भी 17th और 18th सेंचुरी में जो लोग थे वो ग्रेट मैंशंस मीन्स हवेलीज में रहना पसंद करते थे. हवेलीज बेसिकली बहुत बड़े बड़े वॉल वाले लार्ज वॉल कंपाउंड्स होते थे, जिसमें कोर्टयार्ड्स यानी कि बड़े बड़े आंगन होते थे, फाउंटेन्स होते थे. हवेलीज में मेनली क्योंकि बहुत बड़े घर थे ये, हम लोग जैसे अभी समझ रहे हैं, तो बड़ी फैमिलीज रहती थी, मैनी फैमिलीज यहाँ पर रहती थी. ठीक है, एंड हवेली में एंटर करते ही एक ब्यूटीफुल मतलब एक बहुत अच्छा सा रास्ता होता था एंटर करने के लिए. उसके बाद एक ओपन कोर्टयार्ड होता था जिसमें कि फ्रंट की तरफ मीन्स एंटर करते टाइम एक ओपन कोर्टयार्ड होता था, और फ्रंट पे थोड़े से पब्लिक रूम्स होते थे जो कि अगर कोई बिजनेसमैन आएगा या कोई भी विजिटर्स आते हैं, मीन्स बेसिकली मेल अगर लोग आते हैं जो भी वहां पर, तो वो वहां पर बैठकर अपना जो है बातचीत कर सके. उसके बाद अंदर की तरफ जाकर एक इनर कोर्टयार्ड अलग से होता था, वो महिलाओं के लिए होता था, लेडीज के लिए होता था, और कुछ मतलब वहां पर अलग से रास्ता बनाया जाता था, अलग अंदर की तरफ आंगन होता था, वरांडा होता था, रूम्स बनाए जाते थे जो कि हाउस होल्ड वर्क और लेडीज के लिए मेनली पर्पस था उसके बनाने का. उसके बाद यहाँ पर कमर अलादीन खान की हवेली जो है वो mid-19th century में काफी पॉपुलर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन की गई है. इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि अब इसमें क्या था, क्योंकि mid-19th century में लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके थे, है ना, तो अब वहां पर जो है उनकी हवेली में कार ड्राइवर यानी कि जो भी उनके गाड़ी चलाने वाला या कुछ जिस जो भी उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे उसको चलाने वाले के लिए एक अलग रूम था. टेंट पिक्चर्स भी जो भी तंबू लगाते थे लोग, ठीक है, या उन लोगों के लिए अलग रूम्स थे. टॉर्च बीरर्स यानी कि जो मशाल पकड़ने वाले लोग होते थे इस हवेली में, उनके अलग रूल्स थे, अलग रूम्स थे. ठीक है, एज वेल एज वहाँ पर जो भी उनके घर में सर्वेंट्स काम करते थे, अकाउंटेंट्स काम करते थे, क्लर्क्स काम करते थे, उन सब के लिए वहाँ पर प्रॉपर उस हवेली में रूम्स बनाए गए थे. बट मुगल अमीर्स भी अब इन हवेलीज को मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल आ गया. तो 19th century में मेनली हवेलीज जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती रही, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर उनको मेंटेन करना, टैक्सेस पे करना, और हवेलीज इतनी बड़ी है उसमें सब लोगों को रूम्स और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब चीजें जो है बहुत ही डिफिकल्ट होती गई हवेली के ऑनर्स के लिए. तो बहुत सी हवेलीज या तो तोड़ दी गई, डिवाइड कर दी गई, या फिर उनके ऑनर्स ने उनको बेच दिया. तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं जहाँ एक तरफ हवेलीज को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आया कलोनियल बंगलोज का. सो कलोनियल बंगलोज जो थे वो हवेलीज से डिफरेंट थे थोड़े. इसमें एक सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर था, मीन्स ओनली एक ही मंजिल बनाई जाती थी, ओनली वन फ्लोर वॉज देयर, और उसमें जो है पिक्चर्ड रूफ थी, मीन्स पिच रूफ का मतलब ढलान वाली छतें थी, और यूजुअली इसमें 1 और 2 acres का ओपन ग्राउंड रखा जाता था. ये जो कॉलोनियल बंगलोज थे ये हवेलीज के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फैमिली के लिए बनाए जाते थे, जहाँ हमने देखा कि हवेलीज में बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहती थी, कॉलोनियल बंगलोज में न्यूक्लियर फैमिलीज रहती थी जिसमें उनके लिए सेपरेट लिविंग स्पेस, डाइनिंग रूम्स,
बेडरूम्स और बड़ा सा वरांडा होता था। ये वरांडा कई बार ओनली वन साइड होता था घर में और कई बार थ्री साइड से होता था। दूसरी तरफ यहाँ पर किचन सेपरेट होता था, स्टेबल्स क्वार्टर एंड सर्वेंट क्वार्टर्स अलग अलग होते थे, मीन्स जानवरों को रखने की जगह अलग होती थी और सर्वेंट्स के लिए रहने की जगह अलग से होती थी, जो कि मेन घर से थोड़ा सा सेपरेटली अलग बनाए जाते थे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, म्यूनसिपैलिटीज बिगिन टू प्लान। सो म्यूनसिपैलिटी ने अब यहाँ पर कुछ जो प्लानिंग्स करनी स्टार्ट करी वो देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इट्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1931, 1931 में जो सेंसस, मीन्स सेंसस इज अ प्रोसीजर जिसमें कि किसी भी एरिया में कितने लोग रहते हैं उनकी गणना की जाती है, मीन्स जनगणना की जाती है, पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। ये यूजुअली एवरी 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में किया जाता है। सो 1931 में वॉल्ड सिटी, मीन्स जो ओल्ड सिटी थी, ओल्ड दिल्ली थी, उसमें जब सेंसस ने जो जनगणना की तो उससे पता चला कि ये जो ओल्ड दिल्ली है ये बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। 1931 के रिपोर्ट्स के अनुसार ओल्ड दिल्ली में जहाँ एक तरफ 90% 90 लोग पर एकड़ रहते थे, वही दूसरी तरफ न्यू दिल्ली में ओनली 3 पीपल पर एकड़ वॉज देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा क्राउडेड प्लेस था, बट स्टिल इसकी पुअर कंडीशंस, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, वाटर सप्लाई अच्छा नहीं था, क्राउड बहुत ज्यादा था, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों की जो है पॉपुलेशन बढ़ना बढ़ती ही रही, एक्सपैंड होती ही रही। इस कंडीशन में सुधार लाने के लिए यहाँ पर अब एक न्यू स्कीम बनाई गई, जिस स्कीम का नाम है लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। ठीक है, सो ये लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम जो बनाई गई, ये बनाई गई थी रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे। ना 1888 में ये आइडिया जो है दिया गया रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा। तो यहाँ ये जो लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम थी उसमें मेन आइडिया क्या था कि जो यहाँ पे लोग बहुत सारे इकट्ठे रह रहे हैं, ओल्ड दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, उस पॉपुलेशन को किसी एक नई जगह डाइवर्ट करने का ये आइडिया था लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम का। 1931 का सेंसस का भी हमने देखा कि 90% पर एकड़ में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है इंडिया के पार्टीशन से पहले की हम बात कर रहे हैं सारी। तो ये जो स्कीम में लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम में ये कहा गया था कि ओल्ड सिटी के लोगों को एक नई जगह, हम लोग एक नई नया कॉलोनी टाइप बसा के देते हैं, जहाँ पर कि एक बीचों बीच एक चौराहा बनाया जाएगा, उस चौराहे के आसपास शॉप्स खोल दी जाएगी और उन शॉप्स में उन लोगों को काम मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो लोग उस तरफ डाइवर्ट होंगे और वहाँ रहना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ ऐसी कल्पना की गई, ऐसा प्लान किया गया था कि जो चौराहे वाला हम लोग जो नया शहर प्लान कर रहे हैं, नई जगह प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रीट्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिड में, मीन्स एक लाइन में स्ट्रीट्स बनाई जाएगी, पैटर्न होगा स्ट्रीट्स का, सारी स्ट्रीट्स जो है वो चौड़ी बनाई जाएगी, आइडेंटिकल होगी और अच्छे तरह से, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने प्लान किया था। हाउएवर ये जो पूरा प्लान किया गया था ओल्ड दिल्ली को डीकंजस्ट करने के लिए, वहां से थोड़ा सा पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, वो प्लान जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो प्लानिंग में ही रह गया, इनकम्प्लीट ही रह गया और उससे ओल्ड दिल्ली को डीकंजस्ट करने में कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई। सो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि 1912 तक भी जो है ओल्ड दिल्ली के वाटर सप्लाई सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम जो था वो पुअर ही था, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पाई थी। 1931 का हमने सेंसस पढ़ा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई। तो 1936 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक सेटअप किया गया, जो कि जो है सेटअप करने का मेन पर्पस तो सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट लाना ही था, बट उसमें उसके अकॉर्डिंगली एक नए एरियाज बनाए गए। ठीक है, जैसे कि दरियागंज बनाया गया फॉर वेल्दी इंडियंस, उसमें भी ओल्ड दिल्ली के लोकल लोगों को या जो है मिडिल क्लास इंडियंस को उस टाइम कोई खास
इम्प्रूवमेंट्स उससे नहीं मिले। वेल्दी इंडियंस के लिए जो है दरियागंज में स्पेसिस बनाए गए, उसमें पार्क्स बनाए गए, पार्क्स के आसपास जो है घरों को बनाया गया, हाउसेस वर ग्रुप देयर, और घरों के अंदर जो है फैमिली, एक ही फैमिली रहती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज ही रहती थी, बट उनको भी एक न्यू रूल ऑफ प्राइवेसी, जो कि ब्रिटिश इंडिया का एक न्यू रूल था कि हर किसी को अपनी प्राइवेसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली प्राइवेट स्पेसेस विद इन द होम प्रोवाइड किए गए। मीन्स एक ही फैमिली के मेंबर्स के लिए अलग अलग रूम्स, अलग अलग घर, अलग अलग रूम्स उसमें प्रोवाइड किए गए, ठीक है। सो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी ने जो जो प्लान किया सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बट हावेवर वो उतना सफल नहीं हो पाया, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिए इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सो दैट कि मैं आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। अभी हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। सो चैप्टर नंबर 6 हमारा क्लास 8th की हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप इस ईमेल आईडी पर जो आपकी स्क्रीन पर दी गई है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में कुछ भी हेल्प मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। फॉर नाउ सीबीएसई गाइड साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।